मनी स्टमक थीफ। एक गांव में अनंत नाम का व्यक्ति रहता था। वो भुक्कड़ था, बहुत खाने पर भी उसका पेट नहीं भरता था, लेकिन वो बहुत भोला था। एक दिन उसका छोटा भाई शेखर उसके पिताजी जगदीश से, पिताजी भैया मेरे सारे कॉलेज के बुक्स खा गए, अब नए किताब खरीदने होंगे, जरा पैसा दीजिए। क्यों बेटा आनंद, क्या तुम्हारा भाई सच कह रहा है? अगर ठीक से मुझे खाना नहीं देंगे तो मैं और क्या करूंगा, मुझे भूख लगी थी, मैं खा गया। क्या कहा बेटे, हम तुम्हें खाना नहीं खिलाते? अरे बेटा, जो फसल हमारे खेत में उगती है आधा फसल तो तुम ही खा जाते हो, अब उससे तुम्हारा पेट नहीं भरा जो तुम किताबें खा रहे हो? अरे कहीं तिजोरी में जो 2 लाख रुपए रखे थे वो तो? यूं कह ही रहा था, अरे वो कल आधी रात को भूख लगी थी तो मैं निकल गया। यह सुनकर जगदीश और शेखर बेहोश होकर गिर गए। उस गांव में सज्जन नाम का एक रेशन शॉप डीलर था। सरकार जो राशन भेजती थी वो व्यापारियों को बेच देता था और राशन शॉप में हमेशा नो स्टॉक का बोर्ड लगाता था। इससे गरीब बहुत परेशान थे। इस तरह सज्जन ने बहुत सारा काला धन जमा किया था। उन पैसों को उसने गोदाम में अंडरग्राउंड में छुपा रखा था। एक दिन सज्जन का मुनीम गंगाराम, साहब आपने बहुत सारे पैसे जमा किए हैं, इन पैसों का क्या करेंगे आप? अब बाजार में कुछ भी खरीदना हो तो 39,000 से ज्यादा कैश नहीं दे सकते। अरे ये सब मैं जानता हूँ, ये सारा पैसा मैं दुबई में अपने शेख दोस्त को भेज रहा हूँ, वो मेरे नाम पर एक पेट्रोल कंपनी खोलेगा और ये सारा पैसा वाइट हो जाएगा। लेकिन परेशानी ये है कि इन पैसों को मैं दुबई भेजूं कैसे, मैं बस यही सोच रहा हूँ। एक दिन सज्जन के घर में फंक्शन के लिए बुफे तैयार करके रखा था, अभी मेहमान आए नहीं थे। वहां से गुजरते हुए अनंत को खाने की खुशबू आई। वो फौरन वहां पहुंचा और बुफे में रखे सारे खाने के पदार्थों को खा गया। गंगाराम ने ये सब देखकर, अरे कमीने तूने ये क्या किया, 200 लोगों के लिए जो खाना बनाया था 2 मिनटों में उसे निकल गया, रुको अभी तुम्हारी खबर लेता हूँ, कहकर डंडा लेकर उसे मारने चला था कि तभी सज्जन ने आकर उसे रोका। आप मुझे रोक क्यों रहे हैं सर, इसका पेट है या कुआं? अरे ये बिल्कुल कुआं है और हमें भी तो यही चाहिए, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, कहकर उसने कुछ कहा। अरे तुम चिंता ना करो बेटा, अगर तुम वैसा करोगे जैसा हम कहते हैं तो हर रोज तुम्हें ढेर सारा खाना खिलाएंगे। अच्छा, थैंक यू वेरी मच सर, वैसे मुझे करना क्या होगा? अरे कुछ ज्यादा नहीं, तुम अपने इस विशाल पेट को हमें किराए पर दे दो। अनंत के समझ में कुछ नहीं आया। अगले दिन उन्होंने अनंत को अंडरग्राउंड में छुपाए हुए पैसे दिखाए। अरे बेटा तुम ये सारा पैसा निकल जाओ और फ्लाइट में दुबई जाओ और शेख के सामने उसे उंडेल दो, यूं 4-5 बार चक्कर मारोगे तो मेरा काम हो जाएगा, फिर तुम जिंदगी भर जितना खाना खाना चाहो उतना तुम्हें खाना मिलेगा। बस इतनी सी बात? वैसे इतने से पैसों के लिए 4-5 चक्कर क्यों, यूं बेकार में फ्लाइट के पैसे बर्बाद होंगे, मैं एक ही चक्कर में ये सब पैसा ले जाता हूँ। अरे वाह भाई, तुम्हारे पेट और तुम्हें सलाम करता हूँ। 4 दिन बाद अनंत ने उन नोटों के बंडलों को निगलना शुरू किया। इस तरह वो सारे नोट के बंडलों को निगल गया।
सज्जन और गंगाराम बहुत खुश हुए। यूं अनंत एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट में सिक्योरिटी ऑफिसर दिलीप अनंत को मेटल डिटेक्टर से चेक करने लगा, क्योंकि अनंत का पेट फूला हुआ था, दिलीप वहीं ज्यादा चेक कर रहा था। आप चेक क्यों कर रहे हैं सर? मैं मेटल नहीं खाता। मेटल नहीं खाते? तो फिर क्या खाते हो? खाने के साथ साथ कागज भी निगल जाता हूँ सर। मैं अभी अभी ढेर सारे बंडल निगल कर आया हूँ। मुझे जल्दी दुबई पहुंचकर उन्हें उगलना होगा, नहीं तो वो पच जाएंगे सर। दिलीप को बात समझ में आ गई। अच्छा भाई, फ्लाइट के जाने में अभी काफी देर है, तुम तब तक हमारे गेस्ट रूम में आराम से थोड़ी देर सो जाओ। अनंत खुश होकर आराम से गेस्ट रूम में जाकर बेड में लेट गया। वो गहरी नींद में सो गया। अनंत शाम को नींद से जागा। वहीं खड़े दिलीप से, सर बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ मिलेगा? भूख लगी है यानी जो कुछ तुम निगल गए वो सब पच गया होगा, है ना? थोड़ी देर बाद अनंत सज्जन के पास पहुंचा। ये क्या, तुम तभी वापस आ गए? तुम दुबई नहीं गए? फ्लाइट को जाने में देरी हो गई, आपके सारे नोटों के बंडल पच गए सर। जरा रुकिए, मुझे जल्दी से टॉयलेट जाना है, कहकर वो दौड़ा। सज्जन और गंगाराम परेशान हो गए। दिलीप और पुलिस वाले जो अनंत का पीछा कर रहे थे, उन्होंने सज्जन और गंगाराम को गिरफ्तार किया। गांव को सज्जन की मुसीबत से दूर करने के लिए गांव वालों ने अनंत का सम्मान किया। उसके पिताजी जगदीश बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा आखिरकार इसकी भूख गांव की भलाई में काम आई,